कॉलचीसिन कॉल्चीसिन इज एंटी इन्फ्लैमेटोरी एंटी गाउट ड्रग अब होता क्या है कि जब गाउट होता है एक्यूट या क्रॉनिक उसमें हम कॉल्चीसिन देते हैं कॉल्चीसिन क्या करता है न्यूट्रोफिल्स के जो ट्यूबलन है उनके साथ बाइंड करता है उनकी माइग्रेशन की इनहिबिशन करता है और साथ ल्यूकोट्राइन बी फोर जो है उसकी भी इनहिबिशन करता है अब अगर हम मैकेनिज़म ऑफ एक्शन की बात करें तो जो गाउट होता है उसमें मोनोसोडियम यूरेट क्रिस्टल जो होते हैं वो डिपॉजिट होते हैं ये क्यों होते हैं हाइपर यूरिसीमिया की वजह से होते हैं यूरिक एसिड जब ज़्यादा होता है तब ये क्रिस्टल्स डिपॉजिट करते हैं अब यूरिक एसिड ज़्यादा क्यों हो सकता है या तो ओवर प्रोडक्शन हुई है यूरिक एसिड की या फिर अंडर एक्सक्रीशन हो गया मोस्ट ऑफ द टाइम जो केस होता है दिस इज़ गोइंग टू बी ओवर प्रोडक्शन जब कोई सेल मरता है ठीक है तो उसका जो न्यूक्लियर मटेरियल होता है वो काफ़ी प्रोसेस से गुजरता है और हाइपोजेंथीन बनाता है देन वो हाइपोजेंथीन चेंज होता है जैनथिन में और ये जो रिएक्शन है कैटलाइज करता है जैनथी ऑक्सीडेज फिर ये जो जैनथी है ये फाइनली चेंज होता है यूरिक एसिड के अंदर और गैन जैनथिन ऑक्सीडेज इस रिएक्शन को भी कैटेलाइज करता है तो फाइनली जो जैनथीन ऑक्सीडेज है वो डिटर्मिन करता है कितना यूरिक एसिड प्रोड्यूस हुआ जब हाइपर यूरिसी में होता है यूरिक एसिड बढ़ता है ब्लड में तो उसकी वजह से मोनोसोडियम यूरिएट क्रिस्टल्स होते हैं वो क्रिस्टल्स बोन जॉइंट इन जगहों पे डिपॉजिट होते हैं तो इन क्रिस्टल्स को इनगल्फ करने डिफरेंट न्यूट्रोफिल्स मैक्रोफेजेस फेगोसाइट्स आते हैं वो इनको इन्गल्फ करते हैं और इनगल्फ करने के बाद डिफरेंट साइटोकाइंस कीमोकाइंस वगैरह निकालते हैं जिसकी वजह से इन्फ्लामेशन पेन रेडनेस ये सारे फीचर्स जो हैं गाउट के वो आते हैं स्वेलिंग होती है तो कॉल ची क्या करती है कि जो फेगोसाइटिक सेल्स है ठीक है मैक्रोफेजेस न्यूट्रोफिल्स तो इनके ट्यूबुलिन प्रोटीन के साथ बाइंड करता है इनकी साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग को इनहिबिट करता है और इस तरह ये जो न्यूट्रोफिल है ये माइग्रेट नहीं कर सकता हम इसे कह सकते हैं इट इज़ अ ड्रंकन वॉकिंग ठीक है जिस तरह वो पी हुई है इसने तो इट इन्हीबिट्स दिस माइग्रेशन उसके अलावा कॉलचिसिन और क्या करता है इट ऑल्सो इन्हेबिट्स द प्रोटक्शन ऑफ ल्यूकोट्राइन बी फोर अभी जो ल्यूकोट्राइन बी फोर है ये कीमोटैक्टिक एजेंट है ये कीमोटैक्सिस करवाता है यानी डिफरेंट न्यूट्रोफिल्स को ये अपनी तरफ कॉल करता है तो इसकी भी इनहेबिशन कॉलचिसिन करती है जिसकी वजह से पेन जो है वो सेटल हो जाती है पेन के साथ साथ इन्फ्लमेशन जो कि गाउट के, के फीचर्स हैं ये दोनों सेटल हो जाते हैं फॉर्मेकोकारनेटिक्स की बात करें इट इज गिवन ओरली वेल एब्जॉर्ब और हाफ लाइफ इज राउंड अबाउट नाइन आवर्स क्लिनिकल यूज टू प्रिवेंट एपिसोड ऑफ गाउट गाउट की दोनों हो सकती है एक्यूट भी हो सकता है और क्रॉनिक भी हो सकता है टॉक्सिसिटी साइड इफेक्ट कॉल्जिसन से डायरिया नोजिया वॉमिटिंग हो सकती है ब्लड डिसऑर्डर्स हो सकते हैं एंड इट इंक्रीज द बोन मैरिड डिप्रेशन कॉज बाय अदर ड्रग्स अदर सिमिलर ड्रग्स बाकी कौन सी ड्रग्स हैं जो हम गाउट में यूज़ कर सकते हैं गाउट दो टाइप का हो सकता है एक्यूट भी हो सकता है और क्रॉनिक भी हो सकता है अगर तो एक्यूट गाउट के एपिसोड्स हैं तो उसमें हम एंसर्स ग्लूकोकॉटिकॉर्ड्स और कॉल्चिसिन यूज़ कर सकते हैं एंसर्स का रोल जो है वो कॉन्ट्रोवर्शल है कहते हैं कि एंसेर्स जो हैं वो यूरिक एसिड के एक्सक्रीशन को रोकते हैं और उसके अलावा जितने बाकी यूरिकोसूरिक ड्रग्स हैं फॉर एग्ज़ाम्पल सल्फर प्रोबैनिसराजोन इसके साथ भी इसका नेगेटिव इंट्रैक्शन है स्टिल एनी वे एनसर्स या इंडोमैथसिन हम यूज़ कर सकते हैं ग्लूकोकॉटिकॉय ये सारा पेन का पाथवे जो है वो ब्लॉक कर देंगे उसके अलावा कॉलिस् और अगर तो क्रोनिक आउट है तो उसमें कॉलचिसिन यूज़ हो सकता है उसके अलावा कुछ यूरिकोसूरिक एजेंट्स है ये उन एजेंट्स को कहते हैं जो कि यूरिन में से यूरिक एसिड जो है वो निकालें दीज आर प्रोपेन एसड एंड सल्फिन पायराजोन इसके अलावा कुछ जैनथीन ऑक्सीडेज इनिबिटर हैं जो कि प्रोडक्शन ओवर प्रोडक्शन जो है इसकी उसको इन्हीबिट करेंगे उसमें आएगा एलोप्यूरनोल और फिब्यक्सोस्टैड फिब्योगेड थोड़ा सा लेटेस्ट है और ज़्यादा बेटर है ये हम मोस्टली यूज़ करते हैं उसके अलावा कुछ यूरिकेज है जिसमें पेगलॉटिकस आ सकता है